हेलो, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बेसनी। आलू बेसनी भी 5 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है अगर आपके आलू पहले से उबाल कर ठंडे किए हुए हैं तो। 6 उबले और ठंडे किए हुए आलू, 2 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून चिकनाई जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टी स्पून मिर्च पाउडर, 1/4 टी स्पून गरम मसाला, 1/4 टी स्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टी स्पून नमक, 1/4 टी स्पून जीरा, 2 चुटकी हींग और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। सबसे पहले आलूओं को हम काट लेंगे, बहुत छोटे टुकड़े भी ना हो, बहुत बड़े भी ना हो। जीरा, हींग और धनिया को हटाकर ये सारी सामग्री हम इसी बेसन में मिला देंगे। मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक और ये अमचूर पाउडर। जीरा और हींग हम छौंकने में यूज करेंगे और धनिया गार्निशिंग के लिए। कढ़ाई को हमने आंच पे रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। तेल गर्म हो गया, जीरा, 2 चुटकी हींग, जीरा हमें काला नहीं होने देना है, एक मिनट आलू को भून लेने के बाद ये सारी सामग्री हम मिलाकर इन्हें आलूओं में धीरे धीरे डाल देंगे। बेसन की अच्छी तरह से भुन जाने तक हम इसे भून लेंगे 2 या 3 मिनट। बेसन हमारा भुन गया है। ये जो बेसन मेरा बाहर छिटक रहा है इसके लिए हम इसमें हल्का सा पानी का छींटा मारेंगे, बहुत थोड़ा सा, जिससे ये बेसन इन्हीं आलू में चिपक जाएगा अच्छे से। लेकिन पानी को हम पूरी तरह से सुखा देंगे, इसमें नमी नहीं रहने देंगे। धीमे आंच में कढ़ाई में आलू फैला देंगे। आलू में नमी पूरी तरह से समाप्त हो गई है, बढ़िया से भुन गए हैं। हरा धनिया डाल के हम सर्व कर देंगे। ये बेसनी आलू बहुत कम चिकनाई में 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो गए हैं। इनमें किसी तरह के लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये सफ़र के लिए जाने के लिए भी बहुत अच्छे हैं और घर में खाने के लिए भी काफ़ी स्वादिष्ट है।